आपके साथ। आली रे आली माँ दुर्गा आली, आली रे आली माँ दुर्गा आली। आली रे आली माँ दुर्गा आली, आली रे आली माँ दुर्गा आली। बोलो दुर्गा माँ की, बोलो दुर्गा माँ की। आली रे आली माँ दुर्गा आली, आली रे आली माँ दुर्गा आली। ओ आमचा घरी आमचा घरे आमार साथे तोमार काछे माँ दुर्गा एलो बाड़ीते। अरे माँ दुर्गा एलो पाराते। आली रे आली माँ दुर्गा आली, आली रे आली माँ दुर्गा आली। शंख बजाओ काशी बजाओ बजाओ ढोल रे माँ दुर्गा एलो बाड़ीते। हाँ माँ दुर्गा एलो पाराते। दुर्गावाड़ी का खासियत यही है, दुर्गावाड़ी अभी 103वां साल मना रहा है और 1916 से पूजा शुरू हुई। तभी एक राय बहादुर थे ज्योतिष चंद्र भट्टाचार्य, उनके घर का ये पूजा हुआ करता था। फिर कुछ लोगों ने वो उस पूजा को उठा के यहाँ पर ले आए जो एक फूस का चाला में पहले होता था। फिर धीरे धीरे मंदिर बना होते आया और यहाँ का खासियत यही है जो हम लोग ज़्यादा डेकोरेशन कहिए चाहे कुछ कहिए उस पर ज़्यादा ध्यान हम लोगों का नहीं रहता। हम लोगों का मेन ध्यान रहता है पूजा पर, जो कि बहुत निष्ठा के साथ और बहुत जो लोग आस्था रखते हैं यहाँ पे उनका मतलब देखते हुए हम लोग पूजा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही पूजा ही हम लोगों का विशेषता है। सर यहाँ ख़ास तौर पर किस रोज़ कौन सी पूजा में ज़्यादा लोग आते हैं, देखते हैं कौन सी पूजा विशेष है? जो आज देख रहे हैं आप ज़्यादा सबसे ज़्यादा मान्यता हम लोग देते हैं आठवीं का पूजा को और संधि पूजा बोला जाता है इसमें। तो ये आठवीं का पूजा को ही सबसे ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। नौवीं पूजा भी अच्छा से मनाते हैं हम लोग। यहाँ पर पूरा फील्ड आपको नज़र आएंगे, लोग भरे हुए रहेंगे। इसमें हम लोग उसको नारायण सेवा कहते हैं, जो हर आदमी को हम लोग खिचड़ी खिलाते हैं यहाँ पर। आज भी जैसे पुलाव बांट रहे हैं हम लोग, कल हम लोग खिचड़ी खिलाएंगे लोगों को। जैसे सर कहा जाता है कि इस दुर्गा बारी मंदिर का इतिहास रहा है, तो यहाँ बंगाली रीति रिवाज से दुर्गा पूजा मनाया जाता है? नहीं, इस सवाल पर ये हम कुछ केस वाले को भी पहले भी बोल चुके हैं। एक्चुअली बंगाली रीति या किसी भी जाति का रीति से कहीं पूजा होता नहीं है। यहाँ वैदिक मत एक बोला जाता है, जो वैदिक मत से पूजा किया जाता है। कोई बंगाली या कोई अदर कास्ट का कोई स्पेशल पूजा नहीं होता है। हाँ कुछ उसमें आयोजन का कुछ होता है स्पेशल, कुछ अपने अपने लोग कर लेते हैं, लेकिन पूजा जो भी होता है वैदिक मत से पूजा होता है, वही पूजा होता है। और जो कि पूर्णिया भी एक समय पूरा पूरी बंगाल के अंदर ही आता था, तो बंगाली लोगों का संख्या भी यहाँ बहुत ज़्यादा है।
यही लेके यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव तो है ही बंगाली। सर उन आयोजनों में खास क्या है जिसके बारे में आप अभी बता रहे थे कि बंगाली आयोजन जी? तो आयोजन का जैसे आपको बताएं जो वही पूजा ही हमारा जो है वो माने जो मत से हम लोग पूजा करते हैं पूजा ही इसका मुख्य हम लोग मानते हैं उसी का। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं जो सारे शहर का चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों वो भट्टा दुर्गा बाड़ी पर बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं यही पूजा पर। हमारे भगवती को लोग मानते हैं इसका मनोकामना का देवी, जो आप कुछ भी मनोकामना कीजिएगा तो माता पूरा करती है, यही खासियत है। आली रे आली माँ दुर्गा आली, आली रे आली माँ दुर्गा आली। आली रे आली माँ दुर्गा आली, आली रे आली माँ दुर्गा आली। আমার সাথে তোমার কাছে মা দুর্গা এলো বাড়িতে, আরে মা দুর্গা এলো পাড়াতে। আলি রে আলি মা দুর্গা আলি, আলি রে আলি মা দুর্গা আলি। শঙ্খ বাজাও কাশি বাজাও বাজাও ঢোল রে, মা দুর্গা এলো বাড়িতে, মা দুর্গা এলো পাড়াতে। শঙ্খ বাজাও কাশি বাজাও বাজাও ঢোল রে, মা দুর্গা এলো বাড়িতে, মা দুর্গা এলো পাড়াতে। क्लब का नंबर पंडित जी, यहाँ जो पूजा अर्चना होती है लोगों की भीड़ कैसी होती है, किस तरह से श्रद्धा में? मंदिर तो नया अभी आया है यहाँ, वहाँ पर पहले था तो बहुत जगह से बहुत आदमी, 66 साल से ही पूजा हो रहा है यहाँ पर और हम 26 साल से पूजा कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा दिन यहाँ विशेष होता है जब ज़्यादा? यहाँ आपका नवमी का दिन, नवमी इस साल तो सप्तमी कल गया है तो कल भी अच्छा भीड़ हुआ, अष्टमी में भी आज भीड़ हुआ, कल नवमी है देखिए। अच्छा, अष्टमी में मुख्य पूजा कब होती है? मुख्य पूजा भोरे से होते हैं, अभी इसके बाद संधि पूजा होता है, इसका संधि पूजा का टाइम है 45 मिनट का, नवमी लगेगा और अष्टमी छोड़ेगा, इस बीच में 45 मिनट में संधि पूजा करना है। कितने बजे? आज तो इस साल तो था 12:05 से शुरू करके 12:50 तक। आली रे आली माँ दुर्गा आली, आली रे आली माँ दुर्गा आली। आली रे आली माँ दुर्गा आली, आली रे आली माँ दुर्गा आली। बोलो दुर्गा माँ की, बोलो दुर्गा माँ की। आली रे आली माँ दुर्गा आली, आली रे आली माँ दुर्गा आली। ओ आमचा घरी आमचा करे आमार साथे तुमार काजे, माँ दुर्गा एलो बाड़ीते, अरे माँ दुर्गा एलो पाड़ाते। आली रे आली माँ दुर्गा आली, आली रे आली माँ दुर्गा आली। শঙ্খ বাজাও কাশি বাজাও বাজাও ঢোল রে, মা দুর্গা এলো বাড়িতে, মা দুর্গা এলো পাড়াতে। শঙ্খ বাজাও কাশি বাজাও
बांगाली विश्व भरा बांगाली सबर शेरा आज के ऐसा अधिष्ठान दुर्गा माँ घर में आया माँ के ध्यान पूर्वक पूजा पाठ करना हम उनका रोजी वासी में है सब पूजा पाठ करें। अच्छा इस बारीहाट दुर्गा पूजा दुर्गा मंदिर की क्या खासियत है, कब से यहाँ पूजा मनाया जा रहा है? हम इससे हम आया 76 से आया अभी तक ठीक ध्यान पूर्वक से पूजा होता है। अच्छा यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं ऊपर की जी होता है, कब तक चलता है ये पूजा? 6 से शुरू होकर 10 तक 9 तक 10वीं तक 10वीं देते एक बना होगा। इस मंदिर से जुड़ी कुछ आस्थाएं इस मंदिर से जुड़ा हुआ कोई आस्था यानी लोग इस मंदिर को जो मानते हैं कोई आस्था जुड़ा हुआ है? आस्था इसलिए जुड़ता है जितना पूर्णिया टाउन में पूजा होता है हम सोचते हैं बात जानते हैं हमारा बाड़ियार दुर्गा पूजा कमेटी ध्यान पूर्वक पूजा पाठ टाइम टेबल मेंटेन करके पूजा पाठ करते हैं। पूजा एक्चुअली स्टार्ट हुआ 1966 से बट जिस प्लेस पे आप खड़े हैं यहाँ पे लगभग 4-5 साल के अंतर के बाद स्टार्ट हुआ 79 में साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। इसके पहले पीछे में महामाया स्थान पड़ता है पहले वहाँ पूजा हुआ करती थी ठीक है इसके बाद ये जमीन एक्वायर करने के बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ और यहाँ पूजा स्टार्ट हुआ। अच्छा तब से लेके अब तक यहाँ पर जो है लोगों की आस्थाएं किस तरह से जुड़ी हुई है? राइट नाउ आई एम 43 ओके और हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन श्रद्धालु का भीड़ बढ़ता जा रहा है खासकर संधि पूजा। संधि पूजा एक्चुअली ये कम्युनिटी ये जो है बंगाली कम्युनिटीज पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है बट हम बिहारी कल्चर में भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। अब हमको व्यवस्था करने के लिए आप दिखला सकते हैं उस साइड पर हमको बहुत लंबा ये रोड से व्यवस्था करना पड़ता है मंदिर प्रांगण के अलावा भी। अच्छा ये दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर मंदिर में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कराया जा रहा है? इस बार 20% से फोकस करें जो CCTV कैमरा है 5 CCTV कैमरा इंस्टॉल किया गया है अब प्रशासनिक हेल्प मिलता है जहाँ से यहाँ सिक्योरिटी सब यहाँ पे अपॉइंट रहता है। इसके अलावा पूरा सुरक्षा का व्यवस्था पूरा मोहल्ला भी हमको आपस में मिलकर संभालते हैं तो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूजा होती है। पूर्णिया वासियों को आमंत्रण देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आसिन शुक्ल का जो महीना है इसमें नवरात्रि मनाया जाता है हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए और हम अगर और दे सेवा करने का मौका दें ठीक है और हम चाहेंगे इस अवसर पर सबकी मनोकामना पूर्ण करें।